इंडिया ऐप में एक भाई न्यू बैंक अकाउंट भाई लॉन्च किया गया है। बेसिकली भाई आपको इस वीडियो में इंडिया ऐप का पूरा मैं डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ। इंडिया ऐप का जीरो बैलेंस अकाउंट है, प्लस इसका फीचर्स बेनिफिट क्या होने वाला है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, इसमें आप लोगों को क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएगा, प्लस इसका डेबिट कार्ड का चार्ज कितना रहेगा, इसमें चेकबुक का चार्ज कितना रहेगा, इस अकाउंट में आपको क्या चार्जेस देखने को मिलेगा, जो भी हिडन चार्ज है आप लोगों को पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कैसे अकाउंट ओपन करना है ये भी आप लोगों में डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। सो हम जो भी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे देखो भाई, आप लोगों में लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा हूँ। सिंपल सा भाई, करना कुछ नहीं है, लिंक पे क्लिक कीजिए और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को करना कुछ नहीं है, रेफर कोड भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो रेफर कोड आप डाल देना है। रेफर कोड कहाँ डालना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली ये जो बैंक है ना, न्यू बैंक है, आपको इंडस्ट्रियल बैंक के थ्रू भाई आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्रियल बैंक के थ्रू ये जो अकाउंट लॉन्च किया गया, इसमें काफी ज्यादा आप लोगों को फीचर्स मिलेगा, जैसे क्रेडिट लाइन का फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया जरा, योर मनी मेट या स्मार्ट मनी मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोग को अलग अलग ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस ये आपको जो डेबिट कार्ड रहेगा ना, ये आप लोग का भाई बिना नंबर वाला नंबरलेस डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को नंबर नहीं है, सबसे बेस्ट फीचर्स यही मेरे को देखने को मिला, नंबरलेस डेबिट कार्ड। अगर डेबिट कार्ड खो भी जाता कहीं पे तो टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अपना नंबर फिल कर देना है। उसके बाद डू यू हैव ए रेफरल कोड, रेफरल कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो यहाँ पे रेफरल कोड बाई फिल कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और ये टर्म एंड कंडीशन बाई टिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे हम भाई कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे नंबर पे देखिए आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। सो यहाँ पे अपना ओटीपी फिल कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो ओटीपी भाई मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, उसके बाद भाई कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया जरा एमपिन सेट करने के लिए, सेट एमपिन, आप लोगों को एमपिन अपना भाई सेट करना है। यहाँ पे 4 डिजिट का एमपिन लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4 डिजिट एमपिन फिल किया, उसके बाद भाई कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दोबारा अपना एमपिन कंफर्म कर देना है। पिन कंफर्म करने के बाद कंटिन्यू बटन पे भाई क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जितना भी इस बैंक के थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू भाई सर्विस प्रोवाइड किया गया है वो सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। जैसे इंस्टेंट आप लोगों को भाई क्रेडिट लाइन का फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद फर्स्ट डिजिटल बैंक देखने को मिल जाएगा, अपना एफडी यहाँ पे कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया जरा, अपना एक स्टॉक मार्केट वाला मतलब डीमैट अकाउंट ओपन कर सकती हो। बट हम यहाँ पे अपना भाई अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए यो फर्स्ट डिजिटल अकाउंट, यहाँ पे आप लोगों को भाई डिजिटल बैंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पर्सनलाइज आप लोगों को रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा, बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को आधार कार्ड पैन कार्ड से अपना केवाईसी करना है, उसके बाद आपका इजिली अकाउंट ओपन हो जाएगा। फर्स्ट फुल केवाईसी, उसके बाद गेट ए डिजिटल अकाउंट, आप लोगों को जो भी अकाउंट हमारे एपीसी कोड है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो चलिए कंटिन्यू बटन पे हम भाई क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करते ही आप लोगों को अपना भाई यहाँ पे पैन नंबर फिल कर देना है, टर्म एंड कंडीशन बाय टिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे भाई पैन कार्ड नंबर फिल कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। बेसिकली भाई मैंने फोन चेंज कर दिया क्योंकि उस फोन में मेरे को दिक्कत हो रहा था, अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था। अब उसके बाद यहाँ पे बताया जरा अपना आधार नंबर फिल करना है, ये टर्म एंड कंडीशन भाई आप लोगों को भाई टिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर रहेगा ना उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर देना है। ध्यान रहे जो आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर है उसी से अकाउंट ओपन करना, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। और यहाँ पे कुछ डिटेल भी दिया गया है, अपना भाई रीड कर लेना। आधार कार्ड से आप भाई अपना परमिशन दे रहे हो कि आपका ये अकाउंट ओपन किया जाए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो आधार नंबर फिल करके भाई कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही देखिए आपके आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर आएगा, उस पर ओटीपी आएगा। आधार कार्ड का ओटीपी आ जाने के बाद यहाँ पे फिल करना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सो चलिए यहाँ पे मैं अपना ओटीपी फिल करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। ओटीपी वेरीफाई कर देने के बाद यहाँ पे आपका नाम निकल के आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ निकल के आ जाएगा और आधार कार्ड का ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। अदरवाइज आप किसी दूसरे एड्रेस पे रह रहे हो तो यहाँ पे एड ए न्यू एड्रेस, अपना न्यू एड्रेस भाई फिल कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेयर कैन वी रीच यू, आपसे कहाँ मिल सकते हैं, कौन से एड्रेस पे मिले। तो यहाँ पे मेरा एड्रेस भाई इसी एड्रेस पे अभी फिलहाल मैं रह रहा हूँ। मेरा यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, दोनों सेम है। सो इसी पे भाई मैं टिक करूंगा, न्यू एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपका एड्रेस दूसरा है तो यहाँ पे न्यू एड्रेस फिल कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे भाई क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल, उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल, उसके बाद नॉमिनी डिटेल और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सो पर्सनल डिटेल में जैसे कि आपका यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे आपका मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम, उसके बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, सोम भाई सिंगल है, इस पे भाई टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपाहिज हो तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल आपका डन हो चुका है यहाँ पे देखिए। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल, यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि हाउस वाइफ हो या अदर, सो अदर पे भाई क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एनुअल इनकम कितना है, नेक्स्ट पे भाई क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से भाई पूछ रहा है कि क्या चीज हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस या अदरवाइज कोई दूसरा बिजनेस है, अदर है या एग्रीकल्चर है, सो एग्रीकल्चर। उसके बाद सम्मित,
ये हमारा भाई डिटेल भाई डन हो चुका है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोनों भाई मेरा डिटेल डन हो गया, उसके बाद नॉमिनी डिटेल यहाँ पे ऐड करना है, नॉमिनी का नाम, रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, सबमिट बटन पे भाई क्लिक कर देना है। इनका डिटेल ऐड हो चुका है, उसके बाद सबमिट बटन पे भाई क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आगे का यहाँ पे कुछ डिटेल आ जाएगा, जैसे कि देखिए फोन नंबर वेरीफाई हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद फंड योर अकाउंट, यहाँ पे आप लोगों को बताया जरा, कांग्रेचुलेशन डिटेल वेरीफाई हो चुका है। सो यहाँ पे आप लोगों को भाई कुछ फंडिंग करना पड़ेगा। एक्चुअली ये भाई टोटल जीरो बैलेंस है, यहाँ पे 100 रुपए से लेके आप देखिए यहाँ पे 89,000 तक आप अपना पैसा यहाँ पे फंडिंग कर सकते हो। या अदरवाइज फंडिंग नहीं करना है तो यहाँ पे देखिए स्किप का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, स्किप कर देना है। बट मैं भाई यहाँ पे अपना भाई पैसा ऐड करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे मैं अपना पैसा कुछ ऐड कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे 4,000-5,000 जो भी यहाँ पे पैसा है वो मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3% का आप लोगों भाई कैशबैक बताया जा रहा है अभी के टाइम पे। तो चलिए मैं ऐड कर देता हूँ अपने, यहाँ पे फंडिंग कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए योर पेमेंट अप्रूव, उसके बाद आप लोगों भाई बैंक का रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, कॉपी कर लेना है या छोड़ देना है, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे देखिए फुल KYC और उसके बाद आपका योर डिजिटल अकाउंट सक्सेसफुल भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेडी कर दिया गया है। बेसिकली अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ चुका है कि आपका अकाउंट भाई सक्सेसफुल ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है गो टू डैशबोर्ड, चलिए डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे वीडियो KYC के लिए अभी तक मेरे को नहीं बोला गया है, बट देखते हैं आगे क्या आता है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ सेविंग अकाउंट, अभी के टाइम पे भाई यहाँ पे बताया जा रहा है वी आर वर्किंग। थोड़े देर के बाद भाई यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट अकाउंट ओपन किया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एफडी करना चाहते हो तो यहाँ पे एफडी कर सकते हो, क्रेडिट लाइन चाहते हो तो यहाँ पे क्रेडिट लाइन अप्लाई कर सकते हो, डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं डेबिट कार्ड पे भाई क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि अभी आपका ये अकाउंट ओपन हुआ है, तो अकाउंट आपका पूरा सेटअप किया जा रहा है, रेडी किया जा रहा है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कार्ड का सेटिंग के लिए, तो अपना भाई कार्ड का सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे कार्ड का पूरा कंट्रोल आ चुका है आपका, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में, ये सब इनेबल डिसेबल करना है, अपने हिसाब से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो भी चीज यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, कार्ड को ब्लॉक करना है या अदरवाइज परमानेंटली कर देना है। फिजिकल कार्ड चाहिए तो यहाँ से अपना फिजिकल कार्ड अप्लाई कर सकते हो, तो फिजिकल कार्ड इजिली अप्लाई कर लेना, नहीं होगा तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। यहाँ पे आप लोग वर्चुअल कार्ड देखने को मिल जाएगा, बेसिकली ये आपका नंबरलेस कार्ड है, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था। नंबर देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखिए शो बैक कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे बैक पे क्लिक करोगे ना तो आपका नंबर यहाँ पर शो किया जाएगा और फ्रंट आपका कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो ये तो हो गया आपका पूरा डिटेल। अब यहाँ पे आपको बताया जरा अभी भी कि यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना, इजिली आपका हो जाएगा। यहाँ से रेफर करना चाहो अपने फ्रेंड को रेफर कर सकते हो, एक रेफर का आप लोगों को यहाँ पे बताया जरा 100 रुपए, बट आपका फ्रेंड डेबिट कार्ड से फर्स्ट 500 का ट्रांजेक्शन करता है ना तब आपको 100 रुपए मिलेगा। किसी को भी रेफर करना है तो इजिली रेफर कीजिए, एक रेफर का आप लोगों को 100 रुपए देखने को मिल जाएगा। रिवॉर्ड का बात करें तो यहाँ पे रिवॉर्ड का सेक्शन है, अपना भाई रिवॉर्ड अपना क्लेम कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए जेम का ऑप्शन बताया जा रहा है, हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बाकी टोल फ्री नंबर, कस्टमर आईडी, मेल नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो इजिली। अब यहाँ पे देखिए वीडियो KYC का सेक्शन देखने को मिल चुका है, मेरा अकाउंट नंबर आ चुका है, मेरे यहाँ पे बैलेंस आ चुका है, यहाँ से अपना इजिली वीडियो KYC कंप्लीट कर लेना है, इजिली आपका वीडियो KYC यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो KYC अभी पेंडिंग है तो मैं इसे भाई कंप्लीट कर लेता हूँ, UPI भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो अगर आप लोगों को भाई वीडियो KYC चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, या अदरवाइज बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन देखिए, मैंने आपको वीडियो KYC प्रोवाइड कर रखा है। अकाउंट के डिटेल यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, अकाउंट सेटिंग वगैरह यहाँ पे अपना मैनेज वगैरह कर सकते हो, नंबर और आपका IFSC कोड वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को भाई पूरा डिटेल प्रोवाइड किया गया है। सो बस इस वीडियो में इतना ही, होप आप लोगों को जो भी डाउट था भाई क्लियर हो चुका है। अदरवाइज फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है सो नीचे भाई कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को भाई रिप्लाई कर दूंगा। सो वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।